हेलो दोस्तों, देखिए आज हम बना रहे हैं गाजर मूली और मिर्च और लहसुन का और अदरक का मिक्स अचार। और देखिए बहुत अच्छा बनता है ये अचार, सर्दियाँ जब आती हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है अचार ये गाजर और मूली का। अब देखिए मैंने इसके लिए एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने एक बड़ी चम्मच सौंफ ले ली है और धनिया ले लिया है साबुत, और मैंने ये सरसों और मेथी और कलौंजी और मैंने ये कुछ दाने मैंने काली मिर्च के ले लिए। अब ये मैंने अच्छे से रोस्ट करने के बाद ग्राइंडर से मैंने ददरा सा पीस लिया है। अब देखिए मैंने सब्जी को भी धूप में सुखा के धुल के और मैंने इसको कट कर लिए हैं गाजर मूली इन सब सब्जियों को। अब देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, एक कढ़ाई में मैंने एक कटोरी तेल ले लिया है। अब इसको मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। गर्म करने के बाद मैं ये जो सब्जियाँ मैंने काटी हैं उन सब्जियों को मैं अच्छे से सबको मिला लूँगी। और मिलाने के बाद अब देखिए अब मैं इसमें हरी मिर्च भी डाल देती हूँ, अदरक को और लहसुन को भी। अब देखिए इससे अचार ख़राब नहीं होता है और बहुत अच्छा बनता है, टेस्टी भी बहुत बनता है। अगर हम मसाले को भी रोस्ट करके डालेंगे तो मसाले अचार भी ख़राब नहीं होता है। और देखिए ये हमने सबको सब्जियों को मिक्स कर लिया है। अब डाल देती हूँ मैं ऊपर से बड़ा चम्मच एक हल्दी डाल देती हूँ। और हल्दी डालने के बाद मैं अब डाल देती हूँ एक चम्मच में नमक, और नमक डालने के बाद थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दी है, आप चाहे ज़्यादा भी डाल सकते हो कलर के लिए। अब मैं सबको मिक्स कर लूँगी। अब मैं जो मैंने इसमें जो मसाले मैंने रोस्ट किए हैं सौंफ धनिया, अब मैं इनको सबको इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इनको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी अचार को। अब बहुत अच्छा अचार बनता है और ख़राब भी नहीं होता है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। आप देखिए अब हमारा तैयार हो गया है ये मिक्स अचार। अब मैं इस आप किसी भी कांच का बर्तन हो उसमें भी आप रख सकते हो। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेगा। अब ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें काला नमक और डाल देती हूँ, थोड़ी सी मैं डाल दी है हींग। अब इसे हींग डालने से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और अचार भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं एक अलग बर्तन में इसे पहले निकाल लेती हूँ। अब देखिए ये बहुत अच्छा बना हुआ है। अब किसी के साथ खाइए रोटी पराठा। अब देखिए बहुत अच्छा बना हुआ है। अब इसके लिए मैं एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ। आपके पास कांच का हो आप कांच के डिब्बे में भी इसको रख सकते हो। अब देखिए अब मैं इसमें सिरका डाल दूँगी। आपके पास सफ़ेद सिरका हो तो आप सफ़ेद डाल सकते हो। मेरे पास ये घर का बना हुआ था गन्ने का रस का, हमेशा रखती हूँ ये, मैं उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा, दो तीन चम्मच इसमें मैंने सिरका डाल दिया है। अब देखिए ये हमारा तैयार हो गया है ये मिक्स अचार। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। थैंक्स फॉर